नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब भी हम SBI के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें वहां पे दो तीन टर्म्स जरूर देखने को मिलते हैं कि इसमें आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, इजी मनी ले सकते हो या फिर फ्लेक्सी पे कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इजी मनी वाले माध्यम से किस तरह से अपने बैंक में अपने SBI क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ट्रांसफर कर सकते हैं और इसमें कितना चार्ज आपको लगता है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों, जब भी आप अपना SBI कार्ड का जो एप्लीकेशन होता है उसको अपने फोन में खोलेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप में 3 बार्स दिखते हैं। आप जब उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे जाएंगे, आपको वहां देखने को मिलता है बेनिफिट। जब आप बेनिफिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको 3 ऑप्शन आते हैं। 3 में से पहला ऑप्शन होता है बैलेंस ट्रांसफर, दूसरा होता है इजी मनी, तीसरा होता है फ्लेक्सी पे। तो इजी मनी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल के आती है जिसमें लिखा रहता है NEFT और चेक, और उसके ऊपर एक लिमिट रहती है कि आप इतनी लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में इजी मनी के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नीचे आप जब NEFT पे क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको आपका अकाउंट नंबर डालना पड़ता है, आपके सेविंग बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ता है, उसके बाद में आपको IFSC कोड डालना पड़ता है, ऊपर आपको बैलेंस जितना चाहिए वो सिलेक्ट करना रहता है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करते हैं तो आपको वहां पर देखने को मिलता है कि आपको कितनी इंटरेस्ट लगेगी। इंटरेस्ट का रेट यहां पर जो होता है 2.45% पर मंथ के हिसाब से होता है, और इस तरह के जो पैसे लेते हैं इसका जो टेन्योर पीरियड होता है वो 45 डेज का होता है, यानी कि आपको 45 डेज के अंदर इसको वापस करना ही पड़ेगा, और जो ब्याज लगेगा वो 2.45% होता है। प्रोसेसिंग फी इनकी 1.5% होती है जो कि पहले ही आपसे ले ली जाती है जब आप बुक करते हो इस तरह से इजी मनी को, लेकिन वो मैक्सिमम जो है सब्जेक्टेड होती है 300 रुपये से। 300 रुपये से ज़्यादा आपसे प्रोसेसिंग फी नहीं ली जा सकती है। इसके बाद जब आप बुक नाउ कर देंगे तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इसका इस्तेमाल आप तब करें जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में आपको कैश की ज़रूरत है और आपके पास कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो 2.45% का होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है पर मंथ के हिसाब से, और प्रोसेसिंग फी जो लगती है वो आपकी 300 रुपीज़ के लगभग लग जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ऑप्शन का देने की ज़रूरत क्या थी, इससे बेटर तो हम ATM में जाके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। तो हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आपको लगता है वो 2.45% लगता है, जबकि आप ATM में जाके पैसा निकालेंगे तो वहीं इंटरेस्ट रेट आपको 3.5% के हिसाब से लगता है, और उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग फी है वो भी 350 से 400 के हिसाब से लगती है। तो इतना थोड़ा सा फायदा है, अगर आप कभी इमरजेंसी कंडीशन में फंस रहे हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसका कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। ये एक ऑप्शन था SBI कार्ड के अंदर, तो काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि इसके बारे में बताएं कि इसके माध्यम से कैसे हम पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर इसका क्या मतलब होता है। तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो बना दी जाए आप लोगों के लिए, जिससे आप समझ पाएं कि SBI कार्ड के अंदर ये इजी मनी का ऑप्शन जो होता है इसमें क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें NEFT के जगह पर आप चेक भी इशू करा सकते हैं किसी भी बैंक से, जो कि आप किसी और के नाम से भी इशू करा सकते हैं, जिसको कि आपको चेक देना है किसी तरह से, वो उसके भी चार्जेस उतने ही रहते हैं जितने चार्जेस इसके होते हैं NEFT के। तो NEFT ज़्यादा बेटर है, डायरेक्ट आपके बैंक में सेटल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें टेक्निक।